नमस्कार, सोशल सिटी प्राइम न्यूज चुनाव विकास और समीकरण में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग हैं नरकटियागंज प्रखंड के ग्राम पंचायत राजधूम नगर में और हमारे साथ यहां के स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। पहला सवाल होगा, ठंड काफी बढ़ गई है और आज से ही ठंड बढ़ गई है, तो अपने पंचायत में ठंड से बचने के लिए लोगों के लिए क्या व्यवस्था वगैरह आपकी है? अलाव अलाव का व्यवस्था होगा, जलाव कम्बल उम्बल बताएगा। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना जो कि पूरे बिहार के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना माना जाता है, इसको कितना सफल मानते हैं आप? 90% 10% असफल है तो क्यों और कैसे? वो पुराने जनप्रतिनिधि लोगों के कारण। आपके पंचायत में टोटल कितने वार्ड हैं? कितने वार्ड ऐसे हैं जहां की जनता नल जल योजना का लाभ ले रही है और कितने वार्ड अभी भी इस योजना से वंचित है? 3-4 वार्ड अभी तक नल जल का जो फायदा उसको नहीं मिल रहा है, वो धीरे धीरे उसका भी व्यवस्था किया जा रहा है, वो भी चालू हो जाएगा। कौन कौन सा वार्ड है जिसमें अभी नल जल में पानी नहीं आ रहा है? 14 नंबर है, 9 नंबर है, 11-12 है जिसमें पानी नहीं आ रहा है। किस वजह से इस तरह की समस्या आ रही? गलत गलत जगह पर हला दिए लोग, जिसके कारण अभी विवाद चल रहा है वहाँ पर, उसका फिर व्यवस्था किया जा रहा है कि वो चालू 1 माह के अंदर शुरू हो। शिक्षा और चिकित्सा जो कि समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसकी क्या स्थिति आपके पंचायत? हमारे पंचायत में बढ़िया है इसका व्यवस्था। वृद्धा पेंशन योजना और आवास योजना की क्या स्थिति आपके पंचायत? आवास योजना तो अभी बटी ही नहीं रहा है, वो बहुत ही मैंने इंदिरा आवास में दिक्कत है, नहीं हो पा रहा है। किस तरह का दिक्कत आ रहा है? है ही नहीं, बांट भी नहीं, दे भी नहीं रहे हैं, लक्ष्य भी नहीं है उसका। 1 साल में 3-4 को इंदिरा आवास मिला हुआ है, बाकी अभी कोई इंदिरा आवास का व्यवस्था नहीं। चुनाव के समय में आपने अपने पंचायत से बहुत सारे वादे किए थे और बहुत सारे इरादे थे आपके कि पंचायत के लोगों के लिए ये करेंगे चुनाव जीतने के बाद। किस तरह के वादे थे और कितना पूरा कर पाए? मैं गरीब गुरबा से जो भी वादा किया था वो हर रोज हम पूरा करते हैं। जो भी निडी हैं, जो भी तकलीफ में हैं, उनके बारे में रोज सोचते हैं, रोज उसके लिए कुछ करते हैं। पंचायत की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी जिससे यहाँ की जनता अभी भी जूझ रही है? सड़क नाली मुख्य समस्या है। पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे आप? जो भी उसको समस्या है डायरेक्ट हमसे मिले, उसका समाधान हम करेंगे।